कोरोना के बढ़ते संक्रमण से पत्रकारों के बचाव के लिए हाल ही में उपनगर पत्रकार एसोसिएशन द्वारा घाटकोपर पंतनगर के श्री हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर महेश संघवी के संयुक्त तत्वाधान में फील्ड पर रहने वाले पत्रकारों के लिए एक मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर संघवी ने पत्रकारों के स्वास्थ्य की जाँच की और उन्हें मुफ्त कोरोना प्रतिकार आयुर्वेदिक औषधि वितरित किया। साथ ही कोरोना संक्रमण के बीच पत्रकारों को किस तरह की सावधानियां बरतते हुए रिपोर्टिंग करना चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन डॉक्टर संघवी ने किया। इस फ्री मेडिकल कैंप का लाभ क्षेत्र के कई पत्रकारों ने लिया। शिविर का समापन डॉक्टर महेश संघवी को उपनगर पत्रकार एसोसिएशन का कैलेंडर देकर उनका सत्कार करने के साथ हुआ। उपनगर पत्रकार संघ के लिए हमने पहले स्पेल में भी एक कैंप रखा था, क्योंकि आप लोग बाहर घूमते रहते हैं और आपके पास रिस्क फैक्टर्स जो है इन्फेक्शन के ज़्यादा है, और उस समय भी मेरे हिसाब से जिसको दिया इनमें से किसी को कोरोना नहीं हुआ है। सेकंड टाइम का स्पेल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो मैं समझता हूँ उस समय भाद्र पक्ष में था और अभी जो है वसंत ऋतु में हुआ है। शास्त्र में ये वसंत ऋतु में कफ पिघलता है और वो निकलता है, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन का दौर ज़्यादा चला है। और सेकंड दौर के अंदर में जो कोई सिम्टम्स भी ऐसे नहीं है कि जिसको हम पकड़ सके कि भाई पहले दौर में तो ये निश्चित था कि ये लक्षण है तो हम मान लेंगे कोरोना है। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि मिक्स है या तो कोई किसी किस्म का नहीं है, जस्ट आप ऑन द वे चलो मैं सेफ्टी के लिए देखूँ और वो आ जाए तो वो होता है। दूसरा ये है कि इनकी हवा ऐसे चली है कि लोग घबराहट के मारे कुछ भी कर रहे हैं, और आज इतने सारे लोग वेटिंग में हैं कि चाहकर भी प्राइवेट लेबोरेटरीज और सरकार 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे में वो जो है रिपोर्ट नहीं दे पा रही है। इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन ये समय अगर सबसे बड़ा मैं प्रिकॉशंस के रूप में ये सलाह करता हूँ सब लोगों को, जो मेरा तजुर्बा है 40 साल का मेरा और सुरेश भाई का, कि कफ के वाली कोई आइटम नहीं खाना चाहिए। ठंडा है, आप गर्मी में घूमते तुरंत ठंडी में नहीं आना, बर्फ़ का पानी नहीं पीना, लस्सी नहीं पीना, दही नहीं खाना, ऐसी चीज़ें खाने से जो आपको शरीर में भारीपन लगे और कफ बढ़े ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, ये पहला नंबर है। दूसरा, भूख लगे तभी ही खाए, बिना भूख का ज़रूरत से ज़्यादा खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। तीन नंबर के अंदर में आपको जो है डेली रेज्यूम के अंदर में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीता रहना चाहिए, और ककड़ के भूख न लगे तब तक खाना नहीं है। चौथी चीज़ ये है कि आप भाप लीजिए, उसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, और कुछ नहीं तो अजवाइन, हिंग और उसके साथ में थोड़ा सा कपूर डाल के आप सूंघा करें। इनमें से सुरेश भाई बताएंगे, हर बहुत साल के तजुर्बे से हम दोनों ने मिलकर ये बताई है, तो ये आप ड्रॉप्स के ऊपर में डाल दीजिए ताकि ऑक्सीजन लेवल ऑफ योर ब्रेन आपका सही रहेगा, आपको हाइपोक्सिया नहीं होगी और जो है अंदर आने के इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि नाक के अंदर की नोज़ल में आप कुछ ना कुछ लिक्विड लगाइए, आइदर प्योर घी लगाइए, आइदर एरंडी का तेल लगाइए, आइदर आप खोपरे का तेल लगाइए, कोई भी ऐसा ग्रीसी मटर लगाए, ताकि हवा से संसर्गजन्य होने वाले जो कुछ भी इन्फेक्शन जो नोज़ल में आएंगे वो नहीं होगा, वो चिकनाई में ही चिपक के रह जाएगा और आप उसको साफ़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ गरारा करने का है, उसमें फिटकरी डालकर हल्दी डालकर गरारे कीजिए और थोड़ा थोड़ा सौंठ का गर्म आप पानी पीते रहेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग उससे बचे रहेंगे, बाहर का खाना न खाएं। अभी हमने जो है लास्ट टाइम में इसके काढ़े बनाए थे, गाइडलाइन आयुष की थी और उसके बाद में जो है हमने उस समय 15,000 लोगों को दी थी है ऑल ओवर बम्बई में, दोनों जगह पर, बम्बई में और अपना नई मुंबई में वाशी में हमारे सभी संघ के कार्यकर और स्वयंसेवक और जो है वॉलेंटियर्स को दी थी, और जो मेरा रिकॉर्ड है रेंडम रफ है वो 3.5% लोगों को ही कोरोना हुआ है और वो भी बहुत मामूली हुआ है। तो ये जो है उस समय ये था कि फिर कैसे उबालना, क्या उबालना, कब उबलेगा, तो डिमांड समय के अनुसार से जो है हम लोगों ने ये टैबलेट इस समय परिवर्तन कर दी है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है प्रिवेंटिव रूप में। दूसरे सेट एक बनाई है पोस्ट कोरोना की, और तीसरी इमरजेंसी जब आपको कुछ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ये हो जाता है तो इसके लिए कुछ मिश्रण बनाए हैं।
बात यह है कि हम हजार देश में हैं और आयुर्वेद का प्रचार होना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाए हैं। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, समय का तकाजा है, किसी कारणवश ये नहीं हो रहा है, उसमें मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरा ये काम नहीं है। लेकिन हम यहाँ से बैठकर ऑल ओवर इंडिया में इसके ऊपर 2400 घंटा दिन रात काम कर रहे हैं और उसमें हमको बहुत बड़ी सफलता मिली है। सर, पत्रकारों को क्या सलाह देना चाहेंगे? हम पत्रकार, हमें सब जगह जाना पड़ता है, कोरोना सेंटर भी कवर करना होता था, उसको हम लोग कैसे हिदायत बरतें ये सेकंड स्टैंड? मेरा इसमें सिर्फ एक ही ये है कि जब कभी भी आप ऐसी जगह पे जाए, उससे पहले ये नोजल ड्रॉप डालते हैं। आप जो अंदर कुछ आपको ऐसा लगता है कि अंदर कुछ कलेक्शन हुआ है नोजल में, उसको स्प्लिंट आउट कर दीजिए, फिर जो है कुछ थोड़ा सा लगा दीजिए और साथ में एक छोटा सा स्टीम इनहेलर रखिए। पोर्टेबल आता है आजकल, इलेक्ट्रिक कहीं पर भी अवेलेबल है, बैटरी ऑपरेटेड भी आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक आज हर जगह पे अलग है। जाने से पहले और बाद में उसको ये कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि आपको जो है प्रिवेंशन हो जाएगा। हाथ बात धोना ये वगैरह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिटकरी का पानी जो है, फिटकरी का पानी से हाथ धोने से बहुत अच्छा रहेगा। या तो फिर क्या करें, फिटकरी का पाउडर रख लीजिए और वो जो है उसके साथ में पानी से उसको धो लीजिए, नहीं तो सैनिटाइजेशन जो आपको उचित है वो करें। तो चीज़ है, जहाँ बहुत खांसी कोई खा रहा है, जहाँ से बलगम में निकल रही है, ऐसी जगह से आप थोड़ा सा दूर रहिए और ये प्रिकॉशंस करें कि बाहर निकल कर तुरंत ही गर्म पानी के गरारे करके पानी पी लेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छा सा प्रिवेंशन रहेगा और आप उसके संक्रमित कम होंगे। ऐसा है कि श्रीजी हेल्थ केयर सेंटर हम सुबह 12 से रात को 8:30 बजे तक काम करते हैं, लेकिन हमारा जो है मोबाइल नंबर है 9322-71427, 9322-71427 के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि हमारा फ़ोन बिजी आता है या हम अवेलेबल नहीं है तो आप हमको SMS या WhatsApp छोड़ दें, हम आपको ज़रूर मदद करेंगे, जो हमसे हो सकता है वो करेंगे। लेकिन हमारा इसलिए संपर्क न करें कि हमको बेड दिला दे, हमको आधुनिक दवाइयाँ दिला दे या कुछ हमको ये सहायता कर सके। हाँ, उनको जो कोई भी आपको आयुर्वेदिक मदद रूप में हम करना चाहेंगे वो हम ज़रूर करेंगे तन मन धन से। देखो, लास्ट जब से कोविड का पेंडेमिक चल रहा है तो सर के सानिध्य में हमने लोगों की सेवा करने के लिए प्रण लिया है। वो प्रण के हिसाब से हम साल भर से ऊपर हो गया ये काम कर रहे हैं। ये जो नोज़ल मास्क ड्रॉप है, ये ड्रॉप डालने से आपको ऑक्सीजन की जो कमी है, जो बार बार इन्फेक्शन होता है नाकों में, सर्दी का, जुखाम का, एक का दूसरे को इन्फेक्शन जो स्प्रेड होता है एक दूसरे से, वो इससे बिल्कुल स्प्रेड नहीं होता है। आपको दूसरे के जम्स आपको नहीं लग सकते हैं, उसका प्रिवेंशन ये ड्रॉप से हो जाता है। और ये नेचुरली आयुर्वेदिक में हजारों साल से है, सिर्फ आदमी इसका उपयोग भूल गया है और आदमी थोड़ा इसके सामने अभी झुकाव के तरफ झुकेगा, इसका यूज़ करने की तरफ झुकेगा तो इंसानों को शायद अपनी स्वास्थ्य की समस्या के बारे में बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। और वो फ़ायदा हर एक इंसान लेवे, ऐसी हमारी गुजारिश है। हम सेवा में नित्य प्रतिदिन अभी तक ये नित्य प्रतिदिन सेवा कर रहे हैं और ये सेवा में हमको बहुत आनंद आता है। और डॉक्टर महेश संघवी जी के सानिध्य में एक चीज़ हमने देखी है कि जितना भी हमको समय मिला है वो समय का हमने सदुपयोग किया है। और लोगों को भी बोल रहे हैं, अगर आपको ये एक पेंडेमिक से बचने का है, ये जो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति आपको सीमित अवस्था से थोड़ी ज़्यादा चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि रोग का प्रभाव ज़्यादा है, तो ये कोरोना के अंदर ये चीज़ का उपयोग करने से आपके बाल बच्चे, आपके बुजुर्ग सब बचे रहेंगे, क्योंकि जो स्प्रेड होता है उसमें ये बहुत कुछ, बहुत बोले तो बहुत, मैंने काफ़ी लोगों के लिए इसका उपयोग किया है और लोग खुश है और लोगों का इसके अंदर रिव्यू भी है। उसके बाद इसके अंदर थायमोल, मेंथोल और कपूर सही मात्रा में उसको मिक्स किया तो उसका लिक्विड बन जाता है और यह लिक्विड मेरे समाज के लिए बहुत पूरक और आत्मविश्वास से भरा है। इसके वजह से बहुत कुछ लोगों को आज तक लोग चल रहे हैं और आज तक वो इन्फेक्टेड नहीं है। ये पहले पाउडर फॉर्म में बहुत कुछ कुर्ला टर्मिनल से लेके पूरे जितने भी टर्मिनल थे उसमें गए साल में महेश संघवी जी और उनके सब संगठन ने ये बहुत लोग को काढ़ा के रूप में दिया था और लोगों को ले जाने में, उबालने में तकलीफ होती थी। अभी ये टेबलेट फॉर्म में कर दिया है
ताकि लोग उसको अपने प्रतिकार के लिए दो टाइम लेने का एक एक टेबलेट ले, जिसको नहीं है वो, और जिसको है वो इसका सलाह लेके पूरा उपयोग करें, बस उतनी सलाह है। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।